हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, ये है संडे मॉर्निंग का रूटीन। तो यहाँ मैं नहावा के पूजा वगैरह कर चुकी हूँ। मैंने थोड़ी डस्टिंग वगैरह भी की है सुबह, क्योंकि मैं सुबह 5 बजे ही हम उठे थे। तो उसके बाद अब जब मेरी सारा मेरा ये सुबह का काम हो चुका है, तो यहाँ रात का धुला हुआ कुछ बर्तन था तो जिसे मैं लगा रही थी। तो यहाँ पे मैंने चाय भी इधर रख दिया है, क्योंकि पूजा करने के बाद थोड़ा सा चाय पीने को मन होता है। तो वही बस चाय पीने जा रहे थे हम। तो रात को कल थोड़ा सा राशन वगैरह कुछ ग्रॉसरी वगैरह आया था किचन में, तो उसमें ये मैंने टोस्ट भी मंगवाया था। तो आज मैं चाय के साथ ये टोस्ट लेने का मन कर रहा था। थोड़ा कुरकुरा रहता है तो अच्छा लगता है खाने में। तो मेरे हस्बैंड भी ब्रश वगैरह कर चुके हैं, अभी वो नहाए नहीं है बट अभी ब्रश ही किया है। तो ये थोड़ा सा ग्रॉसरी जाया था जो किचन का पूरा सामान नहीं मिल पाया था। तो क्योंकि यहाँ गोरखपुर में अभी भी लगातार कंटिन्यू मरीज़ बढ़ते जा रहे हैं, और सारी दुकानें अच्छे से खुल भी नहीं रही हैं, और जो खुल रही हैं तो वहाँ सारा चीज़ एक ही दुकान पे मिल नहीं पा रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाया था सामान का, तो उसमें से कुछ ही सामान आया। तो इन्होंने मुझसे कहा, तो हमने कहा कि चलो ठीक है, जो मिल जाता है वही सही, नहीं से तो हाँ भला। और कुछ फल वगैरह भी आया था, तो इसे मैंने धुल के रख दिया था। और गैस, वो मैंने सुबह का रूटीन लिया था, और यहाँ अब हो गया है शाम। यहाँ हमने दीपक वगैरह लगा दिया था शाम को। तो अब इस समय हम जा रहे हैं भगवान जी को शयन करवाने। मंदिर हम बंद कर देंगे शयन करवा के, और जितना मतलब भोग और जल वगैरह था वो सारा मैं हटा दूंगी। और जो फूल वगैरह हमने भगवान जी को चढ़ा रहा था वो भी हम हटा लेंगे भगवान जी को, जिससे कि आराम से वो शयन कर सके। और सुबह की तैयारी हम इसी टाइम कर लेते हैं, जैसे कि मंदिर को जितनी थोड़ी बहुत क्लीनिंग रहती है वो हम कर लेते हैं। तो आज डिनर ऐसा कुछ खास बनाने का मूड नहीं था, क्योंकि यहाँ गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि कुछ खाने को भी इच्छा नहीं हो रहा है। तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज पोहा लस्सी बना लो, तो बस वही आज डिनर में मैं वही बना रही थी। तो मतलब पोहा भी थोड़ा भारी ही हो जाता है खाने के बाद, फिर पेट भरा भरा सा लगता है। तो इधर एक तरफ हमने मटर रख दिया है धुल के साफ करके वो बलने को। और मटर वैसे कि मेरा ये हरा मटर है, ग्रीन पीस ही है, तो जिसे मैंने फ्रीजर में स्टोर करके रख दिया था। तो थोड़ा बचा हुआ था, तो हमने कहा कि अब इसे अधिक दिनों तक रखूंगी तो शायद ये ख़राब भी हो जाए। और एक इसमें छोटा मैंने आलू कट कर लिया है खूब बारीक बारीक। और यहाँ मैं अब कुकिंग ऑयल ले रही हूँ, कुकिंग ऑयल में हम जीरा और राई का तड़का लगाएंगे। और वैसे फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से पोहा बना रही हूँ, मैं पहले कभी इस तरह से पोहा हमने बनाया नहीं है। मैं जानती थी बट ऐसे बहुत लोग बनाते हैं, मगर हमने कभी बनाया नहीं था। तो यहाँ जीरा और राई का हमने तड़का लगा दिया है, और साथ में आज मैंने हींग भी इसमें ऐड कर दिया। हींग मैं जबकि कभी नहीं ऐड करती थी। और यहाँ 4 से 5 हम लिए हैं बड़े के स्लाइसेस में, हमने हरी मिर्ची कट कर ली है तो उसे भी हम डाल देंगे। और साथ में ये हमने डाला है करी पत्ता। करी पत्ता ऊपर गमले में मेरे छत के टेरिस गार्डन के गमले में खूब अच्छे से हुआ है, तो वहीं से मुझे ताज़ा करी पत्ता मिल गया। और 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, जिन्हें हमने लंबे और पतले स्लाइसेस में कट कर लिए हैं, तो इन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो इधर दूसरी तरफ हम लस्सी बनाने की भी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पैकेट का ही लस्सी दही हमने मंगवाया था, यहाँ बगल में ही एक दुकान है जहाँ पे ताज़ी दही रोज आती है, तो वहीं से हमने मंगवा लिया। और इसमें हम डालेंगे एक कटोरी चीनी। चीनी हम उतना ही डालेंगे जितना हमें मीठा पसंद हो। और इधर प्याज भी हमारा फ्राई हो रहा है, तो प्याज हमने आज थोड़ा अच्छे से लाल कर लिया है, मतलब थोड़ा अधिक ब्राउन कर लिया है। और फिर प्याज फ्राई होने के बाद हमने इसमें आलू और मटर भी ऐड कर दिया है, और साथ में यही हम बाकी सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। सूखे मसालों में हमने लिया 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर, और 1 छोटा चम्मच हमने डाला है नमक। तो बस इसको ऐसे ही मसाले वगैरह डाल के इसमें लिड लगा दूंगी, जिससे अच्छे से कुक हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, वरना तो मैं वैसे ही कुक कर लूँगी इसे। और बहुत मीडियम फ्लेम पे मैंने इसे रखा है कि जिससे ये अच्छे से सॉफ्ट कुक हो जाए। तो आप ये देख सकते हैं। और साथ में हल्दी भूल गई थी, तो आज मैं हल्दी भी यहाँ डाल रही हूँ। हल्दी ये मेरा लिक्विड वाला है, जो कच्चा हल्दी आता है, तो उस हल्दी को मेरे हस्बैंड ले आए थे, क्योंकि कच्ची हल्दी बहुत फ़ायदा करता है, मतलब हल्दी पाउडर से अधिक फ़ायदा कच्चा हल्दी करता है। इम्यूनिटी के लिए, ब्यूटनेस के लिए, हर एंगल से वो फ़ायदा करता है। और हल्दी तो हमारे बॉडी के बैक्टीरिया को भी मारता है। तो इधर आप देख सकते हैं कि मटर और आलू भी खूब अच्छे से गल गया है। और अभी हम यहाँ पे जो पोहा धुल के रखे थे, पोहा में हमने चीनी, नमक और सूखे मसाले मंगाए थे। और मैं आप लोगों को बताऊँ, थोड़ा सा कल हमने हरा धनिया भी मंगाया था, लेकिन हमारी बुद्धि क्या, मैं बताऊँ कि हरा धनिया मैं बाहर ही स्लेब पर धुल के साफ करके रख के भूल गई, मैंने इसे फ्रिज में नहीं डाला। अब चूंकि गर्मी इतनी अधिक है कि धनिया पूरा, जब तक मैं सुबह उठी तो मैंने देखा कि वो बिल्कुल सूख चुका था, वो ठीक नहीं लग रहा था मुझे।
तो ये आप देख सकते हैं कि मैं हमने लस्सी भी बना लिया है और पोहा भी यहाँ रेडी हो गया है। तो गैस चलिए नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ कुछ देर के बाद, तब तक आप लोग इंजॉय कीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आज का ब्लॉग मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया और अभी तक मैं तो ब्लॉग लगातार बनाती जा रही थी, तो मैंने सोचा कि अभी चलिए इस टाइम मैं ब्लॉग का एंडिंग कर देती हूँ, क्योंकि नाश्ता वगैरह डिनर वगैरह तो सारा हो चुका है और इस समय बज रहे हैं 10:30। तो थोड़ी सी बात आप लोगों से करनी थी, तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्टली बैठ के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ये हुआ कि मतलब इधर काफ़ी दिन से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, उसका रीज़न ये था कि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बहुत कम व्यूज़ आ रहे थे, बहुत कम लोग आ रहे थे, तो इस वजह से मैं थोड़ा होपलेस हो गई थी। मेरा मन नहीं कर रहा था अंदर से ब्लॉगिंग करने को, तो फिर मैंने बंद क्या मतलब कुछ दिनों के लिए मैंने रोक दिया था ब्लॉगिंग वगैरह। मैंने सोचा कि शायद मुझे वो प्यार, मुझे वो मतलब सहयोग नहीं मिल पाएगा जो सभी को मिला है, लेकिन फिर अचानक से वो कहते हैं ना कि हजारों निराशा में एक आशा छुपी होती है, तो फिर बस मेरे साथ ही कुछ ऐसा ही हुआ। माता रानी ने कुछ ऐसा मेरे साथ किया कि मुझे फिर ब्लॉगिंग करना ही पड़ गया। मुझे इस बात का एहसास दिलाया माता जी ने कि कहते हैं ना कि किसी भी काम के पीछे अगर थोड़ी सी मेहनत ना हो तो फिर उस काम को या उस काम के से मिलने वाले फल का कुछ मिठास पता नहीं चलता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है गाइस। एक्चुअली मैं हुआ क्या कि मेरे कुछ व्यूअर्स, कुछ सब्सक्राइबर और फ्रेंड, मेरी फैमिली, YT फैमिली जो है, उन लोगों ने फिर मुझे व्हाट्सअप किया, मुझे इंस्टाग्राम पे मेल किए, फिर मुझे कॉल करके भी बहुत लोगों ने मुझे सजेशन दिया कि नहीं दीदी आप ब्लॉग बनाइए, आपका ब्लॉग हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अभी बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो क्या हुआ धीरे धीरे सभी लोग आने लगेंगे और आप उससे होपलेस मत होइए। कुछ लोग जो आ रहे हैं जिनको पसंद है वो लोग तो आते ही हैं और हमें आपके ब्लॉगिंग का बहुत वेट रहता है। तो जब ऐसी सारी बातें मैंने सुनी तो मैंने कहा कि हो सकता है कि शायद मैं ही गलत थी, मैं समझ नहीं पाई सबके प्यार को और सबके अपनेपन को मैं समझ नहीं पाई, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा नाउम्मीद हो गई थी और मैं ब्लॉगिंग करना बंद कर दी थी। तो मुझसे किसी एक दीदी ने कहा, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगी, वो बहुत अच्छी हैं, वो बहुत प्यारी हैं, नाम मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मतलब लोग कहते हैं ना कि किसी बड़े यूट्यूबर का नाम अगर आप हम लेते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम उनका नाम लेके उनका उनके पिक लगा के हम अपने आप को आगे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम ऐसा कुछ करने के इरादे से हम नहीं मतलब उनका नाम ले रहे हैं। एक्चुअली में वो दीदी रियल में बहुत अच्छी हैं, मैंने उनसे कुछ अपने प्रॉब्लम को शेयर किया, प्रॉब्लम जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिर वैसे ही मैंने शेयर किया उनके साथ भी एक प्रॉब्लम कि दीदी ब्लॉगिंग करने को मन नहीं कर रहा है, व्यूज नहीं आते हैं, तो शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे हैं, मेरी ब्लॉगिंग को पसंद नहीं कर रहे। तो फिर उन्होंने कहा कि जो काम आसानी से हो जाए और जिसका फल आसानी से मिल जाए तो फिर उसकी सफलता का और उसके मिलने वाले फल का कुछ उतना मिठास रह नहीं जाता। तो उन्होंने मतलब ऐसे बहुत सी समझाया मुझे और मुझे कहा कि अब ब्लॉगिंग करो और करने के बाद अपने गुरु को और अपने परमात्मा का नाम लेके हर काम का शुरुआत करो, हर दिन की शुरुआत करो, अपने काम की शुरुआत करो, तो हर काम अच्छा ही होगा। तो दीदी थैंक यू सो मच। अगर आज का ब्लॉग आप देखेंगी तो आप तो समझ ही गई होंगी कि मैं किसे कह रही हूँ और आपका नाम मैं नहीं ले रही हूँ, आपका फोटो भी मैंने कोई नहीं चिपकाया, कोई फोटो नहीं लिया मैंने। मैं चाहती तो मैं आपसे ले लेती हूँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे मना नहीं करूँगी, लेकिन फिर मैं कुछ अपने दम पे ही करने की कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपका नाम नहीं लिया है। नाम ना लेके मैं इनडायरेक्टली आप तक अपना मैसेज पहुंचा रही हूँ कि दीदी अगर मेरी बात सही हो तो प्लीज मुझे मुझे के बस इसी तरीके से अच्छी अच्छी बातों के साथ मुझे इनकरेज करते रहिएगा, मेरे प्रोत्साहन को बढ़ाइए, मेरी हिम्मत को बढ़ाइए। तो गाइस ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, फिर इस ब्लॉग को आज यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।